अब आप सोच रहे हो कि मेरे हाथ में ये Vivo V21 क्या कर रहा है इस समय और ये क्या चल रहा है। फिलहाल ये तो पैकिंग चल रही है मेरी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ दिल्ली टू श्रीनगर रोड ट्रिप पे, सोलो ट्रिप है। और ये मोबाइल मेरे हाथ में इसलिए है क्योंकि मैं इस मोबाइल को डिलीवर करने जा रहा हूँ श्रीनगर। अरे कहना क्या चाहते हो? रोड ट्रिप से क्यों जा रहा है सिर्फ ये मोबाइल डिलीवर करने? फ्लाइट से भी जा सकता था। और दूसरी बात, ये Vivo V21 तो मिल तो श्रीनगर में भी जाता है, तो क्यों डिलीवर करना जा रहा है? तो कहानी कुछ ऐसी है जो आपको इस व्लॉग के बीच में पता लगेगा। बट फिलहाल बात तो यही है कि मुझे ये डिलीवर करने जाना है। जिस तरीके से आपको बहाना चाहिए होता है कि दोस्त की शादी है तो रोड ट्रिप करते हैं, उसी तरीके से ये मेरा बहाना है कि मुझे श्रीनगर जाना है। तो चलिए चलते हैं इस व्लॉग में और शुरू करते हैं मेरी रोड ट्रिप दिल्ली टू श्रीनगर। आगे हो गया पूरा काम। इसके बारे में बताता हूँ ये क्या है। ये है मेरा लाइफ सेवर, इससे मेरे पिछवाड़े को दर्द नहीं होता। अगर मैं पहले इसको नहीं रखता था नीचे तो बहुत ज़्यादा पिछवाड़े में दर्द होता था, लेकिन इसको रखने के बाद मेरा पिछवाड़ा बिल्कुल ठीक हो गया है, दर्द बिल्कुल नहीं है। तो ज़रूर खरीदेगा, 2 से 2500 के बीच में अमेज़ॉन में आपको मिल जाता है। ऑर्थोपेडिक सीट कवर या सीट कुशन बोल सकते हो आप इसे। तो ये करा मैंने ट्रिप का मीटर रीसेट और 0 किलोमीटर हो गया है, द्वारका से निकल रहा हूँ। बट उससे पहले मेरे को थोड़ा जनकपुरी की साइड जाना है, राहुल से मेरे को माइक उठाना है। मैं अभी विदाउट माइक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो किसी काम के लिए जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है वो करो, उसके बाद कुछ करो। अबे यार, तो अभी फिलहाल मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि GoPro के ऊपर जो लाइट लगी थी जो आप देख रहे थे वो ये वाली थी, उलानजी की, 2000 रुपये की आती है, VL49 200 mAh पावर्ड बैटरी। इसको चार्जिंग पे लगा दिया क्योंकि इसका ख़त्म हो गया था GoPro, यही साइड में रखा हुआ है। राहुल की वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को माइक चाहिए जो GoPro के ऊपर लगाना है इसके ऊपर, ताकि मैं अच्छे से वीलॉगिंग और आपको अच्छे से क्लियर आवाज़ आए। उस समय लाइट चली गई थी लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, 1:45 बज रहे हैं, मतलब 12:45 बज रहे हैं, जनकपुरी में हूँ और देखते हैं रियल टाइम के हिसाब से मेरे को श्रीनगर जाने में कितना टाइम लगेगा। चलना अभी भी चल ले, अबे इतना लंबा हो गया कि तेरी शक्ल नहीं आ रही। नहीं भाई थोड़ा, हाँ ठीक है। अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ा यहाँ का मैनेज करूंगा, थोड़ा काम वाम का ना। अच्छा ठीक है। ऊपर आप देख रहे हो वो दिल्ली का बाईपास है और यहाँ तक पूरी सेटलमेंट हो रखी है फार्मर्स की प्रोटेस्ट की वजह से, तो थोड़ी दिक्कत यहाँ तक आएगी। उसके बाद हाईवे थोड़ा खुल जाता है एंड जो पानीपत का जो रास्ता है वो ट्रैफिक जाम हो गया। तो जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ तक पूरी सेटलमेंट है फार्मर्स की, यहाँ तक आपको थोड़ी दिक्कत आने वाली है। नींद तो नहीं आ रही, थोड़ा अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट है। बट मैं सुबह 11 बजे उठ गया था, तो 11 से 11 मतलब 12 घंटे से मैं उठा हुआ हूँ। बट आई एम एक्साइटेड टू ड्राइव सोलो हियर इन इंडिया। एक्चुअली ज्यादा भावुक हो गया, सॉरी, लाइट्स अच्छी आ रही है। ये मेरा वाइपर काफी चूचा चूचा कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। मैं एक ही बारे में सब कुछ बोल रहा हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और मैंने क्रॉस कर लिया जलंधर, अब मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स पठानकोट, विच इज़ अराउंड 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर फ्रॉम जलंधर। एंड उसके बाद पठानकोट के पास जम्मू कश्मीर का बॉर्डर पे जाऊंगा और वहाँ पे मेरा होने वाला है रैपिड टेस्ट कोविड का। तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा टेस्ट करवाना, फिर रिजल्ट आना। तो मुझे 1.5 घंटा, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे थोड़ी देर सो जाऊँ। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, कल ही मैंने ट्विटर में पढ़ा है कि जम्मू जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने एक नोटिस जारी करा है ट्विटर पे कि जो मूवमेंट है जम्मू से श्रीनगर हाईवे की टुवर्ड्स, इफ़ यू आर गोइंग टुवर्ड्स श्रीनगर वाया NH 44, हालांकि दूसरी रोड भी है जो मुगल रोड कहलाती है, लेकिन अगर 44 से जा रहे हो तो आपको सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक
एक चेक पोस्ट क्रॉस करना है जो उधमपुर में है, नगरोटा नाम है उधमपुर के पास एक जगह, वो चेक पोस्ट आपको क्रॉस करना है 12 बजे से पहले पहले। उसके बाद कोई मूवमेंट अलाउ नहीं होगी हाईवे पर जम्मू से श्रीनगर की, क्योंकि अगर मेरे को टाइम लग गया टेस्ट करवाने में फिर उसके बाद 2 घंटे वेट करने में, तो अभी 6 बज रहे हैं, इसमें दिखा रहा है 1 घंटा 52 मिनट्स। अगर मैं उसके हिसाब से चलूँ तो मुझे लगता है कि 8 बजे तक मैं पहुँच जाना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है मैं 7:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा उधर। जिस हिसाब से स्पीड चल रही है मेरी 100 है, 100 से ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन हाईवे थोड़ा ईद थी, ईद मुबारक, तो उसके वजह से हाईवे में थोड़ा ट्रैफिक कम था। तो चलिए चलते हैं टूवर्ड्स जम्मू बॉर्डर। अगर आप सोच रहे हो जम्मू कश्मीर के पहाड़ है तो गलत सोच रहे हो, एक्चुअली हिमाचल का छोटा सा पार्ट आता है पठानकोट से पहले, तो ये वो वाला पार्ट है जो थोड़ा ग्रीन है, थोड़े से हिल्स हैं, छोटे वाले हिल्स होते हैं ना, छोटे अरावली टाइप, वो वाले हिल्स हैं। देखो एक तो फाइनली मैं टेस्ट सेंटर पहुंच चुका हूं जम्मू बॉर्डर पे, एंड काफ़ी भीड़ है यहां पर, मैं आपको दिखा देता हूं इधर। अरे यार कैमरा घूम, वो देख रहे हो आप, इधर साइड काफ़ी भीड़ है। तो यहां पे मेरी टेस्टिंग होगी, रैपिड टेस्ट, और मैं गाड़ी की जगह ढूंढ रहा हूं कि कहां पे गाड़ी खड़ी करूँ। आई एम सॉरी अगर कैमरे का प्लेसमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि मैं बस गोप्रो घुमा रहा हूं और ड्राइव भी कर रहा हूं, तो इतना सिनेमैटिक तो नहीं दिखेगा। ये मैंने कर दी पार्किंग। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया था 12 बजे तक उधमपुर मेरे को क्रॉस करना है। अब लक के ऊपर डिपेंड है कि यहाँ पे कितना टाइम लगता है, पता नहीं शायद 1 घंटा लगे या 1.5 घंटा लगे, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पे मास्क पहन लो और गाड़ी से उतरो। तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मुझे ये फॉर्म दिया है और ये फॉर्म भरना है मेरे को कोविड से रिलेटेड जो भी टेस्ट होगा, यहाँ पे रैपिड अपनी पर्सनल डिटेल सब कुछ भरना है, तो मैं इसे भरता हूँ। और ये मेरे को मिला था उधर वाले काउंटर से, और मैं यहाँ पे, वहाँ पे बड़ी भीड़ है, तो मैं यहाँ पे पेन लिया मैंने 10 रुपये का। भीड़ देख के मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे टाइम लगने वाला है 2 घंटे, पता नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि 12 बजे जैसे मैंने आपको बोला अकॉर्डिंग टू द ट्विटर डिपार्टमेंट, नहीं पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट जो ट्विटर में अपलोड करा था कि 12 बजे से पहले पहले मेरे को उधमपुर क्रॉस करना है। और डार्क सर्कल्स देख लो, सोया नहीं हूँ, नींद आ रही है, बट श्रीनगर पहुंचना भी है, डिलीवरी करनी है वीवो V21 की, बाद में पता लगेगा। तो फाइनली मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। 15-20 मिनट लगे था बॉर्डर पे, इन्होंने जल्दी से, पहला नंबर मेरा था तो इसलिए जल्दी हो गया, तो अनुमान है मैं उधमपुर क्रॉस कर लूँगा। मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड इसलिए नहीं करा क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे थे और काफ़ी इरिटेटेड भी थे, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, बट ये मेरी रिपोर्ट है और ये शायद मेरे को आगे दिखाना है, और उसके बाद फिर हम चलते हैं टूवर्ड्स उधमपुर, फिर उसके बाद निकलते हैं श्रीनगर। अभी फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गोप्रो लेके नहीं गया, अच्छा नहीं लगता है यार, मतलब अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो कभी कभी आपको बदतमीज बनना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी लोग चुगली करते हैं या फिर काफ़ी लोग बीच में टांग अड़ाते हैं, बट मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पर लोग सारे थके हुए हैं, सुबह का टाइम है और आधे तो नींद में होंगे, इरीटेट ना हो जाए, ऊपर से गोप्रो देखेंगे आधे लोग, यहाँ यू नो वट आई मीन। सो फाइनली इट्स नेगेटिव, ये रहा। तो आगे रिपोर्ट दिखानी है बॉर्डर, यहाँ पे चेकिंग हो रही है, टाइम लग रहा है थोड़ा क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ हैं जो जम्मू कश्मीर कटरा भी जा रहे हैं, वैष्णो देवी भी जा रहे हैं, तो इसलिए। तो फाइनली आई हैव एंटर जम्मू एंड कश्मीर, और ये था मेरा पासपोर्ट, और इस पासपोर्ट के ज़रिए मैं पहुँच गया हूँ द फेमस लखनपुर, हाँ लखनपुर ही है शायद। अब यहाँ से मैं जाऊँगा टूवर्ड्स सांबा, और सांबा से मैं डाइवर्जन लूँगा टूवर्ड्स उधमपुर, मुझे जम्मू जाने की ज़रूरत नहीं है, एक शॉर्टकट है। सुना है रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, ज़्यादा नहीं है, 10-15 किलोमीटर का, तो वो तो मैं बेयर कर सकता हूँ, बट 50 किलोमीटर जम्मू के अंदर से जाना, ना ना टाइम नहीं है मेरे पास, 12 बजे से पहले पहुँचना है। आंडिया हम आ गए अब हाईवे पर,
वाला जो रास्ता है ये शॉर्टकट है एक तरीके से उधमपुर के लिए। आपको जम्मू जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से उधमपुर जो सांबा एक जगह है जो मैंने आपको पहले बताया था वहाँ से आपको राइट लेना पड़ता है। यहाँ से उधमपुर करीब 56 किलोमीटर है और अगर आप वाया जम्मू जाते हो दैट इज 93 किलोमीटर। अगर आप वाया जम्मू जाते हो तो प्रॉपर 4 लेन है उधमपुर तक और ये वाली जो रोड है ये 2 लेन है। रोड अभी तो ठीक ठाक चल रही है। ये मानसर लेक पे भी जाती है जो एक टूरिस्ट स्पॉट है जम्मू एंड कश्मीर में, ज़्यादा नोन नहीं है बट लोकल लोगों के बीच में नोन है, वो वहाँ तक भी जाती है। तो अभी फ़िलहाल तो रोड ठीक है ये वाली एंड पिछली बार मैं आया था तो 10-15 किलोमीटर का स्ट्रेच बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, तो देखते हैं इस बार रोड बनी है कि नहीं। वैसे तो दिख रहा है कि हाँ न्यूली लेड रोड है, तो देखते हैं आगे कैसे चलता है। देखा आपने जैसे कि आज थर्सडे है और ट्विटर पे आया था कि रोड बंद है हेवी मोटर्स बाइक, हेवी मोटर्स नहीं हेवी मोटर, मैं नींद में हूँ, हेवी मोटर व्हीकल्स के लिए, तो इसलिए पूरे ट्रक यहाँ पे लगे हुए हैं और ये जो ट्रकों का पूरा जो लाइन है वो मेरे ख्याल से उधमपुर तक है और उधमपुर अभी भी 40 किलोमीटर है, तो मतलब अभी उनको अलाउ नहीं किया गया है श्रीनगर तक जाने के लिए। और लाइट मोटर व्हीकल जो मेरी क्रेता है उसको लाइट मोटर व्हीकल कहते हैं, जो प्राइवेट गाड़ी हो गई, उसका जो टाइम है लास्ट वो 12 बजे तक का है, अभी 10:15 हो रहे हैं तो आई थिंक मेरे पास है अच्छा खासा टाइम है, बट देखते हैं अभी आगे जाके क्या सिचुएशन होती है। सिचुएशन कुछ भी कह सकती है, कुछ पता नहीं होता, कभी कोई लैंडस्लाइड हो जाए, तेज़ बारिश हो जाए। आफ्टर ऑल इस जम्मू श्रीनगर हाईवे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईवे और कंस्ट्रक्शन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। अब भी तो ट्रक नहीं दिखाई दे रहे बट आई एम श्योर आगे भी ट्रक होंगे और ज्यादा। फाइनली मैं NH44 दोबारा ज्वाइन कर लिया है उधमपुर पे और मैंने करीब 50 किलोमीटर सेव करे हैं और ट्रैफिक जैम है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब सीन ये है कि उधमपुर मेरे को 1 बजे तक क्रॉस करना था और मेरे ख्याल से आई हैव एम्पल नंबर ऑफ टाइम। और ये दोबारा से मैं अपने तरफ करा मैंने GoPro एंड वो रोड काफ़ी प्यारी थी जो शॉर्टकट था, थोड़े बहुत पॉट होल्स थे बट उसके बाद फिर सीनरी क्या थी, रेलवे का वाइडक्ट आपने देखा, वाइडक्ट। अब यहाँ से जो गूगल मैप के हिसाब से श्रीनगर दिखा रहा है उधमपुर से करीब 7 घंटे, एक्चुअली 6 hours and 56 minutes, 211 किलोमीटर है। एंड आगे का अपडेट देते हैं कि हाउ आर द रोड्स। उधमपुर तक तो रोड्स अच्छी हैं बट जो मेन रामबान का जो इलाका आता है जहाँ पे रोड अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है और उसी में ही टाइम लगता है। एक बार आपने अगर जवाहर टनल क्रॉस कर लिया तो उसके बाद तो कश्मीर वैली और 4 लेन रोड भी आ जाती है बट वहाँ तक पहुँचने में ही टाइम लगता है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। Fallows is a brief construction montage. बहुत ही गंदा रास्ता है, जब तक टनल नहीं आता जो अभी 7 किलोमीटर और बचा है, बहुत ही स्लो स्पीड पे ट्रक चढ़ रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन एरिया है पूरा, तो बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। व्यू अच्छा है बट धूल मिट्टी काफी हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। After a very 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 long time मैं पहली बार केनानी नाशरी टनल क्रॉस कर रहा हूँ। मेरा बचपन का सपना था, जब बना भी नहीं था तब का सपना था। आई एम जस्ट किडिंग, मतलब जब से बना था मैं चाहता था कि मैं उस टनल को क्रॉस करूँ और फाइनली ये मौका आ रहा है। बस 500 और 600 मीटर बाद ही टनल शुरू हो जाएगा, तो देखते हैं। तो मैं अपनी पूरी जर्नी का मतलब 650 किलोमीटर कवर कर दिया और पहला टोल टैक्स बॉर्डर पे दिया था मैंने और अब दूसरा टोल टैक्स दे रहा हूँ। पंजाब और हरियाणा में टोल टैक्स अभी नहीं दिए जा रहे क्योंकि फार्मर का प्रोटेस्ट हो रहा है
एंड GoPro से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आगे का, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने आप को। एक वैसी नींद आ रही थी लेकिन अब और ज़्यादा एड्रेनलिन रश हो गया कि एक्चुअली मैं टनल क्रॉस कर रहा हूँ। इट विल बी अ ऑल डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। टनल के अंदर बस आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। और ये आ गया। वाव, आई मीन इंजीनियरिंग मार्वल एक्चुअली। सुन सकते हो आप, पता नहीं कुछ अजीब सी आवाज आ रही है टनल में, मतलब कोई वुमेन अपनी, मतलब उसकी आवाज बड़ी एको हो रही है, अनाउंसमेंट सी लग रही है। बट ये टनल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ज्यादा ही बड़ा है। और ये आ रहे टनल के बाहर, अराउंड 10-15 मिनट टनल के अंदर स्पेंड करके पता नहीं कौन सी एको की आवाज आ रही है। फाइनली वी आर आउट। काफी अच्छा टनल था, वेल डन NHAI एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वेल डन। टनल क्रॉस करने के बाद भी कोई राहत नहीं मिली है, अभी भी रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब तो और ज़्यादा ख़राब होने वाली है क्योंकि रामबान इलाका आने वाला, मैंने सुना है कि रामबान वाले जो एरिया है वहाँ पे रोड और ज़्यादा ख़राब है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रोड पे, क्योंकि वेनसडे को जो ये हाईवे है वो बंद रहता है जनरली मेंटेनेंस के लिए, बंद रहता है। और थर्सडे को जैसे बताया था 12 बजे तक टाइम होता है, बट पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं, हवा में है, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक है यहाँ पर। अभी बज रहे 1, तो लगभग मेरे को 13 घंटे हो चुके हैं और 13 घंटे में मैंने 661 किलोमीटर कवर करा है। क्रेता है 15 की एवरेज दे रही है, तो 4,400, इमेजिन 4,400 का मैंने टैंक फुल करवाया है। फिर अभी दोबारा मैंने 2,700 का करवाया है, अभी फुल टैंक है, मतलब चली जाएगी और वापस भी आ जाएगी, मतलब वापस जम्मू तक आ जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। 661 विद इन 13 आवर्स इज एक्चुअली बिलो एवरेज, बट रोड्स आर प्रिटी बैड। देखो मैं हिल रहा हूँ, अब GoPro हिल रहा है कि नहीं, उसका स्टेबलाइजेशन तो अच्छा है बट मैं तो हिल रहा हूँ। लोग बहुत हॉर्न मारते हैं यहाँ पर। ये वाला जो पार्ट है पूरा लैंडस्लाइड इफेक्टेड एरिया, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट यही होता है इसी हाईवे पर रामबान के पास। आप देख सकते हो कि कैसे ये शूटिंग स्टोन नीचे आते हैं। चुकी है ये बनिहाल का बाईपास है ये वाला, और ये न्यू है। हालांकि मैंने इसको, इसके बारे में पढ़ा था कि इसका इनॉग्रेशन होने वाला है, तो आई गेस आई एम लकी इनफ कि इसका इनॉग्रेशन हो गया है। बिल्कुल न्यू रोड है ये बनिहाल। बनिहाल एक्चुअली मेजर टाउन है जम्मू का, फिर उसके बाद आता है आपका टनल, फिर उसके बाद शुरू होता है आपका कश्मीर वैली। ये देखो ऊपर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे ऊपर ये ऊपर रेलवे स्टेशन है बनिहाल का, यहाँ से श्रीनगर बारामूला की ट्रेन निकलती है। और रोड काफी स्मूथ है, मजा आ रहा है। तो ये बनिहाल का नया टनल बनाया है, जो बनिहाल काजीगंज टनल बोलते हैं इसका, 8.545 किलोमीटर का टनल है ये। और This is the new tunnel over here, and I think I am one of the first person जो इस टनल को क्रॉस कर रहा है, बिकॉज वो बंदा था इंजीनियर, उसने मेरे को इशारा करा कि यहाँ से जाओ, तो मैं यहाँ से निकल गया क्योंकि सारा ट्रैफिक दूसरी साइड से आ रहा था। 8.45 किलोमीटर का ये दूसरा मेजर टनल है, पहला चेनानी नाशरी वाला टनल था अराउंड 9 किलोमीटर्स, और ये दूसरा 8.45 किलोमीटर्स, मतलब डिस्टेंस ही काफ़ी कम कर दिया है। मैप में तो दिख ही नहीं रहा, मतलब गुम गया है मैप में, ये जो पॉइंट और होता है वो पता है, वो भूल रहे कि पता नहीं कहाँ पहुँच गए। बट इट्स अ न्यू रोड, ऑब्वियसली इट्स नॉट अपडेटेड, एंड मेरे ख्याल से आज ही खुला है ये,
क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं है, दो ही ट्रक है और मतलब ज्यादा ट्रैफिक है ही नहीं, इधर का ट्रैफिक तो आ ही नहीं रहा ऑपोजिट साइड का। बहुत सही टनल, मतलब अलग सा लग रहा है मेरे को ये टनल, मतलब कॉम्पैक्ट टाइप सा लग रहा है। सो टनल खुलने के बाद मेरे ख्याल से आधा घंटे का टाइम डिफरेंस आया है, पुरानी रोड से नहीं आया, बिल्कुल नई रोड थी और काफी सही एक्सपीरियंस था, मतलब मजा आ गया। गाड़ी अकेले चल रही है, बहुत दूर एक गाड़ी थी और मैं जैसे मैं टनल के बाहर निकला तो काफ़ी गाड़ियाँ ऑपोजिट साइड से खड़ी हुई थी इनॉग्रेशन के लिए, तो इन अदर सेंस अभी जस्ट मेरे ख्याल से एक दो घंटे पहले इनॉग्रेट हुआ होगा इसलिए गाड़ी खड़ी हुई है। मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस था। 8.45 किलोमीटर्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ 8.45 किलोमीटर्स, और मेरे ख्याल से करीब आधा घंटा तो इन्होंने सेव करवाया है इस टनल की वजह से। एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया कि अब आपको जवाहर टनल से आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बनिहाल टनल, बनिहाल काजीगंज टनल खुल चुका है, तो वो बिल्कुल जवाहर टनल को भी बाईपास कर देता है। श्रीनगर और अभी 56 किलोमीटर है, करीब एक डेढ़ घंटा लगेगा, मतलब है तो 40 किलोमीटर बट जहाँ पे मेरे को जाना है वो 56 किलोमीटर है। बाईपास है एक्चुअली, दिस इज नॉट, ये जो मेन रोड थी ये यहाँ पर है वो सिंगल लेन थी, ये बाईपास न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, तो मेरे ख्याल से अगले एक घंटे में और मैं श्रीनगर पहुँच जाऊँगा। काफ़ी ग्रीन है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है, अगर मैं इधर दिखाऊँ या ये देखो, मतलब मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। नींद उड़ गई है मेरी बट सोना भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ जाके सोऊंगा मैं हॉस्टल में, अरूप से मिलूंगा और उसको उसका गिफ्ट कोरियर जो मैं लेके जा रहा हूँ वीवो V21, और उसी के मुंह से मैं सुनवाऊंगा एक फ़ोन यहाँ डिलीवर करने क्यों आया हूँ। सो फाइनली अब श्रीनगर हम पहुँच चुके हैं और टाइम हो रहा है 4:30, मतलब 12:30 निकले थे और 4:30 पहुँचे हैं, कैलकुलेट कर लो मतलब 12:30, 4:30, 16 घंटे लगे हैं मेरे को श्रीनगर पहुँचने में। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, जाते ही मैं लेट जाऊँगा, सो जाऊँगा नहाने के बाद। एक्चुअली दादसा मैंने रोडवे कर लिया था, वहीं पे कुछ कर लिया था, खाया मैंने ज़्यादा कुछ नहीं था, और मेरी RT-PCR टेस्ट भी आ गया अभी थोड़ी देर पहले आया है, अगर वहीं दिखा देता जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे, मतलब थोड़ी देर पहले जल्दी आ जाता तो वो एंटी एजेंट टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं थी। चलते हैं अब हॉस्टल की तरफ। हेलो अरूप। हाय। आप मेरे से नजरें नहीं मिला पा रहे हो? नहीं नजरें नहीं, नहीं बुरा लग रहा है, वापस जा रहे हैं हम लोग। वापस तो मैं जा रहा हूँ, आप तो आगे जा रहे हो। अरे मतलब लद्दाख जा रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग पीपल, अपने पर फोकस कर रहा हूँ इस समय, मैं हूँ श्रीनगर में, दिस इज Day 2 और मेरे जाने का दिन है बैक टू दिल्ली। कल मैं कोई व्लॉग नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत थक गए थे आफ्टर 17 आवर्स ऑफ ड्राइव, एंड ये नज़रें छुपा रहे हैं अरूप। तो हुआ यूँ है कि मैं इसके लिए आया हूँ एक दिन के लिए ओनली इन श्रीनगर, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे मोबाइल देना था वीवो V21, क्योंकि सर से मोबाइल खो गया था वाइल ड्राइविंग टूवर्ड्स श्रीनगर फ्रॉम गुर्रेज, खो गया था। अरे आई वाज डूइंग ऑफ रोड यार, बाइक पॉइंट से स्लिप हो गया। हाँ तो गुर्रेज वैली में थोड़ी रोड ख़राब है, तो वहाँ से इसने पीछे पॉकेट पे मोबाइल रखा था एंड मोबाइल स्लिप हो गया कहीं पे, क्योंकि उसी से हम शूट कर रहे थे अपना कंटेंट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपने पीछे पिछवाड़े पे आप मोबाइल ना रखें। बट एनीवेज मैं यहाँ पे इसलिए आया था इसको मोबाइल डिलीवर करवाने, कोरियर भी कर सकता था बट कोरियर वाले 10 दिन बोल रहे थे फ़्लाइट से आ सकता था, अगर फ़्लाइट से आता तो ये वीलॉग आपको देखने को नहीं मिलता, ड्राइव फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर इन 16-17 आवर्स। मैं कैलकुलेट करूँगा अभी मैं घर बैठ के कि कितना मेरे को टाइम लगा है। तो यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स, मतलब मैं निकल रहा हूँ टूवर्ड्स दिल्ली और ये लोग निकल रहे हैं टूवर्ड्स कारगिल। वीकेंड है, वर्क फ्रॉम होम है इन लोगों का, तो ये सिर्फ वीकेंड पर ड्राइव कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले कहाँ जाएगा रुख? हम यहाँ से जाएंगे पहले सोनमर्ग। हाँ लेकिन सोनमर्ग में हम लोग रुकेंगे नहीं, थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए हम ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। अच्छा उसके बाद जाएंगे हम लोग कारगिल। कारगिल में हमारा स्टे होगा। ओके
और ले लद्दाख कल टुमारो बाई 5 or 6 early morning जैसे आज हुआ हमारा. हाँ अभी कितना 7 ही तो बज रहे हैं, ज़्यादा लेट नहीं हुए हम. हमारी लेट की हिस्ट्री है लेकिन इस बार ज़्यादा लेट नहीं हुए. फ्रॉम देयर विल पुश फॉर ले. सो इनका, हाँ इनका ले का है और मेरा दिल्ली का है. आई विल बी गोइंग बाय अ मुगल रोड विच यू विल सी इन पार्ट 2 वीलॉग इसके बाद. और ये था पार्ट 1 वीलॉग. सो सी यू, टेक केयर एंड प्लीज़ 3 cheers फॉर कंटेंट क्रिएटर्स जो ऐसे ऐसे बहाने लेके कहीं पर भी पहुँच जाते हैं. मेरा बहाना मोबाइल था, आपका भी बहाना कुछ ना कुछ होगा वो आपको पता है. तो नेक्स्ट टाइम 3 cheers फॉर कंटेंट क्रिएटर्स बिकॉज दे वर्क हार्ड टू शोकेस यू देयर ट्रैवल स्टोरी. तो सी यू अरूप, थोड़ा वाइड एंगल लेके सी यू अरूप एंड बेस्ट ऑफ लक. ये इनकी गाड़ी है इंटरसेप्टर एंड हिमालयन और ये मेरी क्रेता. तो आपको RCP PC